यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में, जैसे कि कल मैंने दोस्तों आप सभी लोगों से यहाँ पर वादा किया था, क्रेटा 2024 वर्सेस क्रेटा 2022 या 21 का मॉडल तुम कह लो, ठीक है भाई साहब, आज हम इन दोनों गाड़ियों का यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों लेजेंडरी कार्स हमारे सामने खड़ी हैं, ठीक है। जो पुरानी क्रेटा है, देखो नो डाउट भाई, इसका जो डिज़ाइन है, जो लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है। बट जहाँ इसके अंदर इंडिकेटर्स कहाँ दिए जाते थे दोस्तों, एकदम बम्पर के अंदर और फॉग लैंप, वहाँ जो इंडिकेटर्स हैं ऊपर DRL के साथ अटैच कर दिए गए हैं बेसिकली, ठीक है। तो लुक्स की बात करें ना, तो मतलब लुक्स बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं गाड़ी के, ठीक है। तो ये देखो फ्रंट से गाड़ी, एंड इसके बाद इसको देखो, ठीक है। तो पर्सनली भाई देखो, हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक बंदा अपनी अपनी यहाँ पर बातें बता सकता है कि कौन सी गाड़ी उसको ज़्यादा अच्छी लगती है। हर किसी की मतलब हर किसी को डिज़ाइन अलग अलग पसंद आते हैं, हर किसी की अलग अलग बातें होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, बट पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे को जो क्रेटा का लेटेस्ट मॉडल आया ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से गाड़ी कुछ इस टाइप की है। ये वाली क्रेटा जो है ना, कंपनी ने थोड़ी सी कॉम्पैक्ट कर दी है, ठीक है। मेरे को कहीं ना कहीं ये वेन्यू जैसी फील दे रही है। एंड जो पुराने वाली क्रेटा थी ना, वो साइज़ में काफ़ी बड़ी लगती थी यार। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली गाड़ी साइज़ में काफ़ी बड़ी है, ठीक है। एंड अगर इसकी बैक की बात करें तो नो डाउट पहले भी क्रेटा की बैक बहुत अच्छी थी, एकदम फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन था भाई, ठीक है। बट अब एकदम यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैंप आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, इसमें बेसिकली डीफॉगर आ चुका है पीछे, एंड इसके अंदर डीफॉगर नहीं है। भाई साहब ये टॉप एंड मॉडल है, इसमें डीफॉगर है, बट ये भी टॉप एंड मॉडल है, इसमें डीफॉगर नहीं है। भाई कंपनी क्या कर रही है यार। चलो कोई नहीं, ये 1.5 टर्बो है क्रेटा, एंड ये ओनली क्रेटा है, ठीक है। डीजल में है, ये पेट्रोल में है, ठीक है। बैक प्रोफाइल से आप दोनों गाड़ियों को देख लीजिए। देखो मुझे तो दोनों गाड़ियां ही मतलब एक दूसरे कंपैरिजन में बहुत तगड़ी लग रही है, ठीक है। मैं किसी एक गाड़ी को ऐसे चुनना चाहूँगा कि हाँ भाई ये गाड़ी बहुत परफेक्ट है और दूसरी गाड़ी एकदम बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गाड़ियाँ अपने डायमेंशंस पर, अपनी मतलब हर एक चीज़ पर एकदम बेहतरीन तरीके से बैठती हैं, एंड दोनों गाड़ियाँ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम ओल्ड क्रेटा को चलाते हैं, बढ़िया। एंड जिस जिस सिचुएशन से हम इसको निकालेंगे ना, फिर हम दूसरी क्रेटा को भी चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें रिवर क्रॉस करनी है, बहुत बढ़िया। एंड देखना है कि रिवर क्रॉस कौन सी गाड़ी कर पाएगी। देखो भाई मुझे पता है इन गाड़ियों में इतनी ज़्यादा पावर तो है नहीं यहाँ से चलने का। 3, 2, 1 ओ भाई भाई साहब, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जो फर्स्ट चीज़ थी ना जिसके अंदर मैंने सोचा था कि क्रेटा निकल जाएगी और ये पानी क्रॉस कर देगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, लिटरली ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्रेटा ने दम तोड़ दिया। एंड मुझे इससे भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये उम्मीद तो नहीं थी। ये पानी में देख रहे हो किस तरीके से गाड़ी मतलब यहाँ पर रह गई है। भाई साहब मुझे इस गाड़ी से ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल लिटरली ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं गाड़ी अपने आप को एकदम बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, बट ये गाड़ी नहीं बेहतर बना पाई अपने आप को। चलो कोई ना, ये वाटर टेस्ट है गाड़ियों का, ठीक है ना, बढ़िया। इसके बाद एक क्रैश टेस्ट करने वालों में गाड़ियों का, पहले तो ये हो जाए, बहुत बढ़िया। 3, 2, 1 ऑल राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था, एंड मैं आज वाले वीडियो में भी बोलना चाहूँगा, ये वाली जो क्रेटा है ना, ये काफ़ी हल्की बनाई है कंपनी ने। तो ये पानी में जाकर ना इस तरीके से मतलब उतरने लगती है, ठीक है, काफ़ी हल्की है, तो उसकी वजह से पानी में से इजीली निकल गई, ठीक है भाई। एंड पुराने वाली क्रेटा पानी में ही रह गई है, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट उसने ऐसा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है ना, तो भाई मैं भी यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ। तो चलो अब इस इन गाड़ियों का ना एक क्रैश टेस्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो इस टाइम अभी मैं हूँ दोस्तों इस लॉस सैंटोस के सबसे बड़ी पहाड़ी के ऊपर, जिसका नाम है माउंट चिलियार्ड।
आप सभी लोग इसको जानते हैं भाई, और दोनों गाड़ियां यहाँ पर हैं। तो क्रैश बेसिकली ऐसे होने वाला है, गाड़ी अगर पहाड़ से नीचे गिरती है तो भाई गाड़ी किस हद तक यहाँ पर बच सकती है और क्या चलने की सिचुएशन में होती है, फिर टॉप एंड कितना खींच पाती है, वो सब कुछ ठीक है। सबसे पहले हम नई वाली क्रेटा को यूज़ करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब इन गाड़ियों को कूदाने का भी एक मेन वो ये है, इस वाले रास्ते से जाएगी गाड़ी कूदने के लिए भी, ठीक है। वो वहाँ पर दे रखा है ना उधर से गाड़ी, फिलहाल यहाँ पर तो देखो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत सही। चलो आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत सही। एंड हमें इसे तो तोड़ने के ही फेंकना, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ से जाएगी, 3, 2, 1। अब देखना है गाड़ी किस हद तक यहाँ पर बच सकती है। ओके, गाड़ी ब्लास्ट ब्लास्ट तो नहीं होती। ऑल राइट भाई, ओ गाइस बढ़िया। ओ भाई 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 भाई, अभी हमें गाड़ी को सबसे नीचे लेकर जाना है ना, तभी तो पता चलेगा इसका इंजन बच पाया है गाड़ी का या नहीं। चलो सही है, बढ़िया गाइस। आप देख सकते हैं सारे दरवाजे मेरे हिसाब से गए गाड़ी के, नहीं ये कुछ बचे हैं। डिग्गी भी गई, डिग्गी भी गई भाई गाड़ी की, डिग्गी भी जा चुकी है, कुछ नहीं बची भाई, ये भी गई। ऑल राइट गाइस, ओ खत्म खत्म खत्म, सारा सीन खत्म हो चुका है यार। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये गई भाई डिग्गी भी गई गाड़ी की। ओ भाई साहब, ओ गाइस ये देखो भाई, देख रहे हो गाड़ी के साथ क्या ही सीन हुआ है भाई। गाड़ी तो एकदम भाई रास्ते के ऊपर आ गई है ये देखो, बट कोई ना, इसने गाड़ी जो है नीचे तक इसने दम नहीं तोड़ा, एंड गाड़ी सक्सेसफुली नीचे आ गई है। अब इसको रोड पर भगाकर देखते हैं क्या गाड़ी भागने में एकदम परफेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। बस देखना ये है, और ये हमारा लास्ट चैलेंज है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। देखो गाड़ी कम्फर्ट लेवल में हर चीज़ में अच्छी होती है, ठीक है। एक वाटर टेस्ट, एक क्रैश टेस्ट, ये दो चीज़ें होती हैं। ये गाड़ी फेल हो गई थी वाटर टेस्ट में, बट अब देखते हैं चलने में कैसी है। बढ़िया भाग तो रही है, बट स्ट्रक्चर से पता नहीं चल रहा भाई ये क्रेटा है या फिर क्या बला है, कुछ पता नहीं चल रहा है। 140-145 तक भाग पाई है बस, उससे ज़्यादा नहीं जा पा रही, 140-145 से ज़्यादा इस गाड़ी से भागा ही नहीं जा रहा भाई। चलो फिलहाल हम गाड़ी को इधर खड़ी करते हैं, नाइस। एंड गाड़ी की हालत तो भाई बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही है। कार देखो, ये कार नहीं भाई कुछ और ही लग रहा है मेरे को तो, गाड़ी नहीं भाई कुछ और ही लग रहा है, पीछे से भी हर जगह से टूट फूट चुकी है, ठीक है। चलो अब हम लेटेस्ट वाली क्रेटा को यूज़ करके देखते हैं। ऑल राइट गाइज, तो हमारी लेटेस्ट क्रेटा ये रही, एंड मैं भाई लेटेस्ट क्रेटा को मतलब इस टाइप के दुख नहीं देना चाहता, बट देने तो देखो भाई पड़ेंगे ही ना, ठीक है। बस देखना ही चाहता हूँ कि भाई बस ये थोड़ी सी बच जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें भाई। उस गाड़ी ने तो देख लिया ना तुम्हें, मतलब क्या क्या दुख दिए हैं, अब देखते हैं भाई ये क्या करती है। नाइस, 3, 2, 1। भाई ये गाड़ी भी कुदा दी मैंने, ऑल राइट ठीक है, शीशे गए, जाहिर सी बात है भाई ये तो जाने थे ही, सारे दरवाजे खुल गए भाई इसके। ओ भाई देखो भाई, दरवाजे वरवाजे जो लगे होते हैं ना गाड़ियों के, ये तो देखो भाई नॉर्मली सी बात है, ये तो जाते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट लगा हुआ है गाड़ी का, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है अभी तक उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, सही है। बस सक्सेसफुली नीचे पहुंच जाए बिना फटे तो बात है, वरना तो भाई ख़त्म है मामला। उत्तरी, ओ भाई चारों दरवाजे ऐसे गए, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। उत्तरी, इसके दरवाजे देख रहे हो कहाँ तक उड़ रहे हैं भाई साहब, वे कहाँ फंस गई। ओ भाई कहाँ फंस फूस के निकल रही है गाड़ी ये। ओ तेरी भाई, उस गाड़ी की डिग्गी नहीं बची तो इसकी कैसे बच जाती भाई। वे सीधी हो जा,
जा सीधी, हो जा हो जा हो जा। खैर गाइस सीधी तो हो गई। ओ गाइस भाई मैंने सोचा नहीं था इसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी गाड़ी की। गाइस ओ तेरी भाई साहब, गाड़ी की हालत देखो यार। भगा कर देखते हैं अब इसको, वो 140-145 गई थी, कितना जाती है। हाँ भाई एक बात है, ये उससे थोड़ा तेज़ भाग रही है अभी। ये अभी 190-200 टच कर दिया इसने, अभी इसने अभी 200 टच किया है। बट उसका एक पीछा वाला दरवाज़ा बस, इसका एक आगे वाला देखा जाए ना। एक इसे देख लो, एक इसे देख लो। ये थोड़ी मजबूत लगी मेरे को ये वाली क्रेटा ना, ये बिल्कुल ही पिचक गई है। देखो इंटीरियर्स, बैक से ये थोड़ी मजबूत लग रही है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। खैर दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को बताइए इन दोनों क्रेटा में से आपको ज़्यादा पावरफुल क्रेटा कौन सी लगी है, प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताओ। एंड मुझे उम्मीद है कि यार आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक यहाँ पर नहीं किया है तो। बाकी यार मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा मेरे भाइयों लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।